राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर के विधि क्षेत्र के देदीप्यमान सितारे के रूप में हर किसी में पहचान रखने वाले एमएस सिंघवी को राजस्थान उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता बनाए जाने के साथ ही पूरे मारवाड़ में खुशी की लहर छा गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी को जैसे ही राजस्थान उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता बनाने का फरमान और खुशी की खबर लोगों तक पहुंची कि लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खास तौर पर न्यायिक राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर में जिस तरीके से हर परिवारों में खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह सिंघवी का पूरा परिवार पीढ़ियों से विधि को समर्पित रहा है, न्याय दिलाने को समर्पित रहा है। यही वजह है कि चाहे वकील हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, या फिर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर ओसल समाज के साथ साथ 36 कांग्रेस, हर किसी के मन में यही बात है कि सही व्यक्ति का चयन करके इस बड़ी जिम्मेदारी को दिया गया है। पूरे मारवाड़ में तो खुशी है ही, मगर न्यायिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा खुशी है कि उनके पिता मखदूमल सिंघवी राजस्थान उच्च न्यायालय के एक नामी वकील रहे, उसके बाद में उनके भाई जीएस सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के जज है, और अब कहीं ना कहीं खुद की मेहनत और लगन से पहचान बनाने के बाद में उन्हें महाधिवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिले में लगातार बढ़ रही है चोरी की वारदात। 15 दिनों में 19 बड़ी चोरियां। बीती रात फिर शहर में चोरों ने दी बड़ी वारदात को अंजाम। करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल और 4 लाख रुपए नकदी लेकर हुए फरार। जिले भर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और जिला पुलिस इन वारदातों को रोकने में कहीं न कहीं नाकामयाब साबित हो रही है। इस बड़ी चोरी की वारदात का मौका मुआयना देखने आज खुद पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा पहुंचे, तो वहीं इन चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम रही पुलिस के बाद आज पूर्व विधायक रतन जलधारी ने इन चोरी की वारदातों पर आक्रोश जताया है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं मौका मुआयना किया है, तो वहीं अभी तक पुलिस एक भी वारदात को खोलने में नाकामयाब रही है, जिसके चलते अब जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और शहर में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। के बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज पहली बार भरतपुर पहुंचे, जहां उनका बॉर्डर स्थित कमालपुरा गांव पर फूल माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और ढोल नगाड़े बजाकर उनकी भव्य आगवानी की। उसके बाद भरतपुर तक पहुंचने तक उनके दर्जनों स्थानों पर भव्य स्वागत किए गए, वहीं आधा दर्जन स्थानों पर सभा भी आयोजित की गई। उसके बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और भरतपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा व अन्य जिलों से आए लोगों से स्वागत भी स्वीकार किया। उसके बाद सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर आरुषि मलिक और आईजी मालिनी अग्रवाल से भी मुलाकात की। उसके बाद वह अपने आवास मोती महल पहुंचे, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में सुनवाई करेंगे और 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में डीएलओज की बैठक लेंगे। कपड़ा उत्पादन में लगातार आगे बढ़ते भीलवाड़ा का नाम एशिया के मैनचेस्टर में गिना जाता है। अब एशिया का ये मैनचेस्टर मत्स्य उत्पादन में भी नंबर वन बन गया है। प्रदेश में बीते 2 साल से लगातार पहले पायदान पर आने वाले भीलवाड़ा शहर में अब इस वर्ष 3000 मेट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ है। जिले के 324 जलाशयों में इस समय मछली का उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन से 1500 से अधिक परिवार इस समय लाभान्वित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में जो उत्तम क्वालिटी के मछली का उत्पादन कोठारी डैम के साथ साथ में उमेश सागर बांध में हो रहा है, जिसकी मांग कलकत्ता मंडी के साथ साथ बिहार की मंडियों में भी है। जिला मत्स्य विकास अधिकारी डॉक्टर अनिल जोशी का कहना है कि वर्तमान में 34 किसानों को मछली उत्पादन के लिए जिले में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद में जिले में जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की और क्षमता बढ़ेगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार 12 आगमन पर प्रमोद जैन भैया का हुआ भव्य स्वागत, परिवार सहित गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। खान गोपालन मंत्री बनने के बाद पहली बार 12 आगमन पर प्रमोद जैन भैया का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले भैया ने पलायता के गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां पर पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मंत्री भैया के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंत्री के स्वागत के इंतजार में बैठे लोगों ने फूल मालाओं से भैया को लाद दिया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से चांदी का मुकुट व 71 किलो के फूलों के हार से भैया दंपति का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया, कांग्रेस कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। इसके बाद प्रमोद जैन भैया का अंता सीस वाली मांगरोल कस्बों में भी स्वागत किया गया, जो देर रात 12 आने तक जारी रहेगा। अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर आए खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा आज दूसरे दिन कैला देवी सपोटरा क्षेत्र के गांवों के दौरे पर रहे। करौली कैला देवी मार्ग सहित सपोटरा क्षेत्र के गांवों में उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया।
मंत्री मीणा ने कैला माता के दरबार में पहुंचकर कैला देवी की ढोक लगाई और प्रदेश में शांति व खुशहाली की मनोती मांगी। अपने दौरे के दौरान मंत्री मीणा ने कहा कि गत भाजपा शासन में करौली जिले और सपोटरा क्षेत्र की उपेक्षा रही थी, अब उनका लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के विकास कराना है जिसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कलेक्टर हनुमानगढ़ जाकिर हुसैन ने दूसरे दिन भी किया औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने रैन बसेरा हनुमानगढ़ टाउन और रैन बसेरा हनुमानगढ़ जंक्शन के किया औचक निरीक्षण और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पदभार ग्रहण करते ही हनुमानगढ़ में अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर ने दूसरे दिन भी किया टाउन और जंक्शन बस स्टैंड में बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान टाउन और जंक्शन दोनों रैन बसेरों में साफ सफाई की कमी और शौचालयों में गंदगी पाई गई। मौके पर जिला कलेक्टर ने बुलाया नगर परिषद आयुक्त को और दिए दिशा निर्देश। कहा इसका मौके पर ही साफ सफाई की जाए और जो कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। चूरू जिले में आज सरकार के काबीना मंत्री एवं विधायकों का आना जारी रहा और उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में जयपुर से बीकानेर जाते समय पीएचडी मंत्री व ऊर्जा मंत्री टीटी कल्ला का रतनगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। मालाएं पहनाकर बीडी कल्ला को स्मृति चिन्ह भी रतनगढ़ वासियों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान के विकास को लेकर नई योजना स्थापित करेंगे व ये सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी कस्बे में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा महोत्सव में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। छोटी सादड़ी की हिंदू धर्मशाला में आयोजित की जा रही इस कथा के छठे दिन आज कृष्ण रुक्मणी विवाह के साथ कंसवत का आयोजन किया गया। यहां कृष्ण रुक्मणी विवाह में श्रद्धालुओं ने जमकर दान पुण्य किया और कथावाचक कमलेश शास्त्री के भजनों पर श्रोता जमकर झूमे। यहाँ पर कथावाचक कमलेश शास्त्री ने कहा कि भावों को प्रकट करना ही भक्त होने का प्रमाण नहीं है, कथा को मनोरंजन का साधन नहीं बनाए, उसको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बनाए। मंत्री बनने के बाद पहली बार ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला आज बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने पर मंत्री कल्ला का विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री कल्ला का सापा सोल और माल्यार्पण कर स्वागत किया। भव्य आतिशबाजी भी हुई। सर्किट हाउस से बीडी कल्ला जुलूस के साथ रवाना हुए तो वहीं फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बीडी कल्ला ने कहा कि सबको बिजली और स्वच्छ पेयजल उनकी प्राथमिकता रहेगी। बिजली छिज्जत कम करने के भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही कहा कि किसानों की समस्याओं पर फोकस रहेगा, इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। तो वहीं बिजली के निजीकरण को लेकर बीडी कल्ला ने कहा कि निवर्तमान सरकार ने निजी कंपनी के साथ बिजली का लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। जयपुर डिस्कॉम में हाल ही में नियुक्त हुए एमडी एके गुप्ता आज कोटा पहुंचे। एके गुप्ता ने थर्मल के इरेक्टर हॉस्टल के सभागार में बिजली इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में मौजूद बिजली कंपनी केईडीएल के अधिकारियों के साथ भी गुप्ता ने चर्चा की और शहर में लगाए स्मार्ट मीटरों से लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट मीटर फिलहाल शहर में नहीं लगाए जा रहे। उन्होंने कहा कि केईडीएल कंपनी को कोटा से भगाने का चुनावी मुद्दा जरूर था, लेकिन कंपनी को हटाने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट का अध्ययन भी करना जरूरी है। इसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है कि कंपनी को हटाया जा सकता है या फिर नहीं। कैबिनेट मंत्री सालेम मोहम्मद मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र पोकरण। प्रदेश के अल्पसंख्यक वक्फ व जनअभियोग निराकरण मंत्री सालेम मोहम्मद जोधपुर सड़क मार्ग पर स्थित सीमा बोर्ड पहुंचते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। मंत्री सालेम मोहम्मद का लवा गांव में स्वागत हुआ और लवा से पोकरण के जयनारायण व्यास सर्किल पर सालेम मोहम्मद का नगर पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया के नेतृत्व में शहर वासियों ने भव्य स्वागत किया। नगर पालिका परिसर में आयोजित समारोह में मंत्री सालेम मोहम्मद का राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा और सोल लड़ाकर स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री सालेम मोहम्मद ने रामदेवरा जाकर बाबा रामदेव की समाधि के भी दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआ की।
मंत्री सालिम मोहम्मद ने कहा कि भाजपा सरकार में हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है और मारवाड़ नहीं समूचे प्रदेश में अब अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अटकी योजनाओं को गति देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कोटा में सामने आई स्तब्ध कर देने वाली घिनौनी कलयुगी करतूत। किरायेदार ने अपने मकान मालिक के विश्वास को किया तार तार। मामला शहर के सकतपुरा इलाके का है, जहां पर एक मकान मालिक ने बाजार जाते समय अपने घर और घर में मौजूद अपने दो नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी बरसों से अपने किरायेदार रहे एक शख्स शैलेश गर्ग को संभाला दी। लेकिन शैलेश गर्ग एक घटिया मनोवृत्ति का इंसान निकला। उसने मौके का फायदा उठाकर मकान मालिक के दोनों नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित सगे भाई हैं और उनकी उम्र 8 और 10 साल है। हालांकि मामला जब थाने पहुंचा तो शहर की कुनाड़ी थाना पुलिस ने एसएचओ उमरेंद्र सिंह की अगुवाई में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे सख्त सजा दिलाने की तैयारी हो रही है। पाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे लाइन पर अल सुबह हुआ फ्रैक्चर। बोमादड़ा गाँव के पास रेलवे फ्रैक्चर को जोधपुर से आए तकनीशियन ने किया दुरुस्त। प्रदेश सहित जिले भर में जिस प्रकार शीतलहर के असर के कारण आम जन परेशान है, वहीं इस कारण रेलवे लाइनें भी आए दिन क्रेक की सूचनाएं आ रही है। जिले की बात करें तो विभिन्न जगहों पर तेज सर्दी के कारण 6 बार रेलवे लाइनें क्रैक हो चुकी है, लेकिन गनीमत यह रही कि रेलवे विभाग की सतर्कता के चलते अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं आज पाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे ट्रैक पर भी सुबह 6 बजे के करीबन बोमादड़ा गाँव के पास एक क्रैक की सूचना मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने अस्थायी जोड़ बनाकर जम्मू तवी सहित कई ट्रेनों को धीमी गति से निकाला और वहां एक कर्मचारी नियुक्त कर ट्रेनों को धीमी गति से निकालने का कार्य शुरू किया। पाली मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन पर बोमादड़ा गांव के पास सुबह 6 बजे आया क्रैक। जोधपुर से आए मैकेनिकों ने घंटों की मशक्कत के बाद ठीक किया क्रैक। क्रैक ठीक करने के बाद सुचारू किया गया रेलवे यातायात। साल के अंतिम दिन से ठीक एक दिन पहले यानी आज चित्तौड़गढ़ वासियों का पूरा दिन दहशत में निकला। दरअसल आज सुबह मीरानगर इलाके में एक पैंथर देखा गया। पैंथर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखी तो इस बात की पुष्टि हो गई कि बाकी रिहायशी इलाके में पैंथर का मूवमेंट हुआ है। देखते ही देखते शहर में पैंथर होने की सूचना आग की तरह फैल गई। इधर पैंथर भी भयभीत होकर कोतवाली थाना परिसर में पीछे की दीवार फांदकर शरण ले चुका था। दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम को देर रात सफलता मिली और पैंथर को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। कुल मिलाकर आज दिन भर की सबसे बड़ी दहशत भले ही पिंजरे में कैद हो गई हो, लेकिन शहर वासियों को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि शहर में वन्य जीवों का मूवमेंट कहीं शहर वासियों के लिए खतरा न बन जाए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नो आज रहे जालौर दौरे पर गोदाम पथमेड़ा में गौ माता की पूजा अर्चना। स्वामी दत्तनानंद जी महाराज से लिया आशीर्वाद। धन्यवाद सभा में कार्यकर्ताओं का जताया आभार। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नो जालौर से आज सांचौर पहुंचे, जिसके बीच जगह जगह कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। गोदाम पथमेड़ा पहुंचे, गोदाम पथमेड़ा में गौ माता की पूजा अर्चना के बाद स्वामी दत्तनानंद जी से आशीर्वाद लेकर धन्यवाद सभा में पहुंचे। धन्यवाद सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की धन्यवाद सभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। राज्य मंत्री को अपने बीच पाकर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।